आइए आपको बताते हैं कि बीएसपी लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा करने जा रही है। ये बड़ी जानकारी जिस पर मायावती आज जो समीक्षा बैठक करने जा रही हैं, बीएसपी सुप्रीमो, वो हार के कारणों की समीक्षा करेंगी। एक भी सीट नहीं मिली है बीएसपी को, सारी सीटों पर, 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। अब आपको बता देते हैं कि 23 जून को लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर में ये अहम बैठक बुलाई है, लेकिन लगातार मंथन चर्चा इस बात पर हो ही रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी असफलता कैसे बीएसपी के हाथ लगी। अब इस पर 23 तारीख को बैठक होनी है, ये गहन बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक बीएसपी की। संगठन के बड़े पदाधिकारी, जिलाधिकारी और उम्मीदवार इस बैठक में मौजूद रहेंगे, लेकिन आकाश आनंद के शामिल होने पर सस्पेंस है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक आकाश आनंद इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। फैजाबाद सीट से चुनाव जीते अवधेश प्रसाद झांसी पहुंचे और मां पीताम्बरा धाम में दर्शन पूजन किए। अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये जीत जनता की जीत है। सुनिए। ये जो जीत हुई है हमारी अयोध्या जनपद के 54 फैजाबाद पार्लियामेंट्री सीट, तो ये जीत जो है का श्रेय वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं की जीत ये, और ये प्रभु श्री राम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, माँ पीताम्बरा देवी की कृपा है। अभी दर्शन करके हम आए हैं। जहाँ तक हार का कारण है, तो हार तो यूँ तो ये हार भारतीय जनता पार्टी के विचारों की हार है, मानसिकता की हार है और तमाम कारण है। ये जीत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जीत है। वहीं आपको बताएं कि आगरा में पूर्व मंत्री के फरार नाती पर अब शिकंजा कसेगा। दिव्यांश चौधरी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। कोर्ट ने बुनियादी कराने का आदेश दिया है। दिव्यांश पर युवती को कुचलने का प्रयास का आरोप है। युवती के पिता को भी कुचलने का प्रयास का आरोप है। शाहगंज पुलिस बुनियादी की तैयारी में जुट चुकी है। चित्रकूट से खबर, जहां पर गाली देने से मना करने पर दबंगों ने युवक को बंधक बना लिया और बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक को इलाज के लिए प्रयागराज में भर्ती कराया गया है। 3 दिन बाद युवक की मौत हो गई है और इस मामले में आपको बताएं कि हनुमानगंज गांव का ये जो मामला है, परिजनों ने तीनों आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीओ ने कहा है कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें लगा दी हैं। दिनांक 12/6/24 को थाना रायपुरा अंतर्गत हनुमानगंज लॉरी से यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव के ही श्री बड़कू कॉल के साथ गांव के ही 3 व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 323, 504, 325 तथा SC/ST एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घायल को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया गया। दिनांक 14/6/24 को यह सूचना प्राप्त हुई कि दौरान इलाज घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर समुचित धाराओं में तरमीम कर तथा गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।